بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم वर वालमला सुबहान का बेहद करम बेहद फजल बेहद शुक्र जिन्होंने मौका और अता फरमाई जिंदगी की बेशुमार ना फरमाई अल्लाह सुबहान तब की जिंदगी में आसानिया पैदा फरमाई मालिक के फजलो करम से बात बनी हुई है मालिक सब की बात बनाए रखें कोशिश करें अपनी हर चीज अल्लाह सुबहान वाले के सुपुर्द कर दिया करें जब मालिक के सुपुर्द जो चीज की जाती है फिर मालिक उसकी हिफाजत फरमाते हैं जब मौका मुनास्बत और जरूरत होती है उस वक्त मालिक वो आपको अता फरमा देते हैं जो चीज भी हम मालिक के सपुर्द करते हैं उस पर ये यकीन कामिल रखें कि उसमें कभी आपको नुकसान नहीं होगा सूरत बकरा की आयत नंबर सतासठ से सत्तर तक बिसमिल्लाहमर व इलामूस में إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال <سؤال> أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال <سؤال> إنه يقول <سؤال>

فاكع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون और याद करो जब मूसा अलतम ने अपनी कौम से फरमाया कि बेशक अल्लाह सुबह व वाल तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाये जिब्बा करो तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे साथ मजाक करते हैं मूसा अलत ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जहलू में से हो जाऊं उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि वो गाय कैसी है जू जूं वो कौम सवाल करती गई आजमाइश में फिर इजाफा होता गया फरमाया व तआला फरमाते हैं कि वो ऐसी गाय है जो ना तो बूढ़ी है ना बिल्कुल कम उम्र बल्कि इन दोनों के दरमियान हो तो वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उन्होंने कहा आप अपने रब से दुआ वो हमें बता दे उस गाय का रंग क्या है फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है वो पेल, वो पीले रंग की गाय है जिसका रंग बहुत गहरा है वो गाय देखने वालों को खुशी देती है फिर उनके सवाल उन्होंने कहा आप अपने रब से दुआ कीजिए हमारे लिए वाज तौर पर बयान कर दे कि वो गाय कैसी है क्योंकि बेशक गाय हम पर मुश्तबे हो गई है और अगर अल्लाह चाहेगा तो यकीनन हम उसकी राह पा लेंगे इन आयात में अल्लाह सुबह न कौमे बी को याद दिला रहे हैं बनी इसराइल में एक मलदार शख्स अमील को उसके किसी अजीज ने खुफिया तौर पर कत्ल करके दूसरे मोहल्ले वालों के ऊपर डाल दिया ताकि इसकी मेरास भी जो जहदाद जमीन सब कुछ वो भी मेरे खाते में आ जाए और खून बहा भी उसका भी दावा कर दिया कि मुझे दिलवाया जाए। कातिल का पता ना चलता था वहां के लोगों ने हजरत की आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह हकीकत हाल फरमाए उस पर हुक्म हुआ कि एक गाय जबा करके उसका कोई हिस्सा मकतूल को मारें वो जिंदा होकर कातिल के बारे में बता देगा लोगों ने हैरानी से कहा कि क्या आप हम से मजाक कर रहे हैं क्योंकि मकतूल का हाल मालूम होने और गाय के जीबा करने में कोई मुनास्बत मालूम नहीं होती इस पर रजत मूसा सलात ने जवाब दिया मैं इस बात से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ कि मैं मजाक करके जहलों में से हो जाऊं ये तो जहलीत वाले और जहल लोगों का काम है मजाक करना जब इसराइल ने समझ लिया कि गाय का जिबा करना मजाक नहीं बल्कि अल्लाह सुबहान वाल का हुक्म है तो उन्होंने हजरत मूसा वसलाम से इसके औसाफ दरियाफ्त किए और बार बार सवाल करके वह लोग कहें पढ़ाते गए और बिला आखिर ये हुक्म हुआ कि ऐसी गाय ज़िब्बा करो जो ना बूढ़ी हो ना बहुत कम उम्र बल्कि दरमियानी उम्र की हो बदन पर कोई दाग ना हो एक ही रंग की हो रंग आंखों को बहाने वाला हो इस गाय ने कभी खेती बाड़ी न की हो न कभी खेतों को पानी दिया हो आखिरी सवाल में उन्होंने कहा कि अब हम पा लेंगे बहरहाल सब कुछ तय हो गया तो उनकी तसली होगी फिर उन्होंने गाय की तलाश शुरू कर दी अब अल्लाह रबूलामीन की हिकमत देखिए मालिक कि सपुर्द जब कोई चीज की जाती है फिर मालिक असबाब कैसे मुहैया फरमाते हैं इस बात पर आप गौर के लिए गम। इनके गाफ में ऐसी सिर्फ एक गाय थी उसका ये हाल था कि बने इसराइल में एक सहले शख्स था अल्लाह का नेक बंदा था और उसका एक छोटा बच्चा था और उसका वक्त करीब आ गया दुनिया से रुखसत होने का उनके पास एक गाय के बच्चे के अलावा में और कुछ भी न था इंसान था उन्होंने उसकी गर्दन पर मोहर लगाकर अल्लाह ताला के नाम पर उसे जंगल में जाकर छोड़ा और अल्लाह रबुल ला आलमीन की बारगाह में अर्ज की ए मालिक ए मेरे रब मैं इस बचिया को इस गाय के बच्चे को अपने बेटे के लिए तेरे पास वदयत रखता हो इमानत रखता हूँ ताकि जब ये फर्जंद बड़ा हो तो ये उसके काम आए इस नेक शख्स का तो इंतकाल हो गया लेकिन वो बचिया जंगल में अल्लाह सुबह नव की हिफाजत में रही ये लड़का जब बड़ा हुआ तो सहले मुत्तकी बना और माँ का फरमादार था एक दिन उसकी वालदा ने कहा ए नूर नजर तेरे बाप ने तेरे लिए फुला जंगल में खुदा के नाम पर एक बछिया छोड़ी थी वो अब जवान हो गई होगी अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो तुझे अता फरमाए और तू उसे जंगल से ले आ लड़का जंगल में गया और उसने गाय को जंगल में देखा और वालदा की बताई या लामते उसमें पाई और उसको अल्लाह ताला की कसम देकर बुलाया तो वो हाजिर हो गई वो जवान इस गाय को वालदा की खिदमत में लाया वालदा ने बाजार में ले जाकर तीन दिनार में फरोहत करने का हुक्म दिया और ये शर्त की सौदा होने पर फिर उसकी इजाजत हासिल की जाए इस जमाने में गाय की कीमत इन अतराफ में तीन दिन आ रही थी जवान जब इस गाय को बाजार में लाया तो एक फरिश्ता खरीदार की सूरत में आया और उसने गाय की कीमत छः दिनार लगा दी मगर ये शर्त रखी कि जवान अपनी वालदा से इजाजत नहीं लेगा और वालदा ने क्या कहा था इजाजत लेनी है अब फरिश्ता जवान को आजमा रहा है जो अपनी माँ का बड़ा ही फर्मादार है जवान ने ये मंजूर न किया और वालदा से तमाम किस्सा कहा उसकी वालदा ने छह दिनार कीमत मंजूर करने की तो इजाजत दी मगर बेचने में फिर दोबारा अपनी मर्जी दरियाफ्त करने की शर्त लगा दी जवान फिर बाजार में आया इस मरतबा फरिश्ते ने बारह दिनार कीमत लगाई और कहा कि वालदा की इजाजत पर मकूफ न रखो जो उन्होंने न माना और वालदा को इतला दी और वो साहब फरासत औरत समझ गई कि यह खरीदार नहीं कोई फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है बेटे से कहा अब की मरतबा इस खरीदार से यह कहना कि आप हमें इस गाय के फरोहत करने का हुक्म देते हैं या नहीं लड़के ने यही कहा तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि अभी इसको रोके रहो जब बनी इसराइल खरीदने आए तो इसकी कीमत ये मुक्र करना कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए जवान गाय को घर लाया और जब बनी इसराइल जस्तजू करते हुए इसके मकान पर पहुंचे तो यही कीमत तय की और मूसा वसलाम की जमानत पर वो गायबी इसराइल के सपुर्द कर दें इसमें दो बातें समझिए एक जो चीज अल्लाह रबुल नाम पर उन्होंने छोड़ी वो उन्हें सही सलामत अच्छी मिली जवान होकर दूसरा जो रब पर भर भरोसा करते हैं सिर्फ रब की ही इबादत करते हैं। फिर मालिक उन्हें किस तरह सुरखरू करता है किस तरह फिर उनकी गैबी मदद फरमाता है नबी के फरमान पर बगैर हिचकिट के अमल करना चाहिए और अमल करने की बजाय अकली अपने धलाइल पेश नहीं करने चाहिए जब अल्लाह के नबी का हुक्म आ जाए क्योंकि नबी वे ही कहता है जो अल्लाह का हुक्म होता है वो बगैर चो चढ़ा के बगैर किसी झिझक के उसे हुक्म को मान लेना चाहिए अपनी अक्ल बीच में नहीं करना चाहिए यह बेअदबू का काम है नंबर दो पैगंबर झूठ दिल लगी और किसी का मजाक उड़ाने से वगैरह के ऐबों से पाक है पैगम्बर ना तो किसी का मजाक उड़ाते हैं ना झूठ बोलते हैं शहरी अहकाम से बेजा बैस मुशक्कत का सबब है जैसे उन्होंने कहा गाय कैसी होनी चाहिए उसका रंग कैसा होना चाहिए जो जो बने इसराइल वाले सवाल करते गे वो गाय उनके लिए आजमाइश बनते गे और इनशाला कहने की बहुत बरकत है अल्लाह के महबूब सल्लाम ने फरमाया अगर बने इसराइल इनशा न कहते तो वो कभी भी वो गाय ना पाते वो सारी जिंदगी लगते लगे रहते ढूंढते रहते मगर वो गाय ना मिलती जब उन्होंने कहा इन तो फिर मालिक ने उनकी मदद फरमा दी जो अपने आया, आलो आयाल को अल्लाह ताला के सपुर्द करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी उम्दा परवश फरमाते हैं। जो अपना माल अल्लाह ताला के भरोसे पर उसकी अमानत में दे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत फरमा देते हैं बरकत रख कर फिर वापस लौटाते हैं देखिए गाय बच्चे ही उन्होंने जंगल में छोड़ी थी मगर मालिक ने कैसे मुहैया फरमाए वालदेन की फ़नबरदारी अल्लाह ताला को पसंद है माँ बाप की खिदमत और इताद करने वालों को दोनों जहान मिलते हैं इस जहां में भी कामयाबी उस जहां में भी कमयाबी और उस गाय को जब जिब्बा करके उसके गोश्त का एक टुकड़ा जब उसके मकतूल जो कत्ल हो गया था उसके बदन पर लगाया तो उसने उठकर सब कुछ बताना शुरू कर दिया और हमारे लिए दुनिया वालों के लिए सबक है कल क्यामत के दिन इसी तरह जिसम के हर हर अजा हर हर हिस्सा गवाही दे रहा होगा पाऊ जिस बुराई के रास्ते पर चले वो गवाही देंगे हर जिसम का हिस्सा हर उस गवाही देगा तो कोशिश करें अपने आलोयाल को अल्लाह रबुल आलामीन के सपुर्द कर दे तो मालिक जो उनके हक में बेहतर होगा वही करेगा अल्लाह रबुल आलाम तमाम बीमारों को शिफाता फरमाए बेलाद उनकी बेरोजगारों को अच्छा आला इज्जत वाला रोजगार नसीब फरमाए कारोबार वालों के कारोबार में बरकतें अता फरमाए मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए नामो से रसालत के उ पैरादारों की मालिक हिफाजत फरमाएं हमारे हुक्मरानों को अकल सलीम और राय हिदायत नसीब फरमाएं अफवाड पाकिस्तान की हर माज पर मदद फरमाएं अपना अपने चाहने वालों का और अपने आस पास रहने वालों का खास ख्याल रखिये असल वरहम वरक